हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। सबसे पहले बोलूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिलते रहे। तो यहाँ देखिए, ये जो मैंने वीडियो जनरेट किया था नीट के लिए, उसका एक नेक्स्ट पार्ट है प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ। अगर आप फॉर्मूलाज को ही लर्न कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, जो हमारा बेस है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस फॉर्मूला में देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में टी अपॉन टी माइनस 6 अपॉन लैम्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है ए साइन 2 पाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में लिख रखा है ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स। तो देखिए, अभी तक दोनों इक्वेशंस में माइनस था, यहाँ प्लस है। तो प्लस के लिए ध्यान रखिएगा, वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है तो ये साइन प्लस हो जाता है। पर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई। फाई को यहाँ पर आप बोलते हैं फेज डिफरेंस। और एक सिंपल सा पॉइंट, एट टी इक्वल टू जीरो पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो इनिशियल फेज रहता है, इनिशियल फेज। एंड के को आप लिखते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। एक सिंपल सा रिलेशन देखिए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में अगर दे रखा है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स होता है। यही चीज अगर हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड करते हैं तो ऊपर टाइम और नीचे भी टाइम रहता है। तो ये डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हो, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि लैम्डा के साथ आप टी लगा दो। तो ध्यान रखना कि जो फाई है उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, वो डायमेंशन लेस है। तो उसके लिए जरूरी है कि सेम क्वांटिटीज हो। अगर यहाँ लेंथ है तो यहाँ भी लेंथ हो, अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ टाइम रहे। अब देखिए, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0.07 साइन 12 पाई एक्स माइनस 500 पाई टी। आपको वेवलेंथ एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आप जनरल इक्वेशन बनाओ तो जनरल इक्वेशन में 2 पाई बाहर रखते हैं। तो हम जिस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे वो है x अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी। मीन्स 2 पाई यहाँ देखिए बाहर है और यहाँ 2 पाई नहीं है। तो सिंपल आप क्या करिए, अपनी इक्वेशन में 2 पाई को अंदर ले जाइए। मीन्स डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लिखिएगा, ये शो नहीं करना है, मैंने आपको एक स्टेप करके दिखा दिया है बस सिंपल। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आप जितना टाइम सेव करोगे उतना बेटर रहेगा। सिंपल कंपेयर करोगे तो देखिए, ए के प्लेस में 0.07 आएगा जो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। हमें केवल वेवलेंथ एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, एक्स का मल्टीपल 2 पाई अपॉन लैम्डा है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा और यहाँ एक्स का मल्टीपल कितना है 12 पाई। सिंपल पाई से पाई कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करेंगे साम, ये तो लैम्डा की वैल्यू 1/6 मीटर आ जाएगी, क्योंकि इसमें लेंथ जो है वो मीटर्स में है और टाइम सेकंड में। अब यहाँ देखिए, 2 पाई अपॉन टी है और आपके पास यहाँ पर कितना है 500 पाई, तो इक्वल टू 500 पाई लिखेंगे। पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 250, यानी 1/T इज इक्वल टू 250। दैट इज यू हैव गॉट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250 पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए सिंपल आप n लैम्डा लगाओगे, n के प्लेस में 250 और ये 1/6। कैलकुलेशन आप कैरी आउट कर लोगे, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू दे रखा है 1.2 साइन 3.5t प्लस 0.5x एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द वेव बता रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आप डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये चीज हम पहले प्रेडिक्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन में पहले आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो इक्वेशन है उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 पाई टी अपॉन टी प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा लिखेंगे। फाइनली ए इज इक्वल टू 1.2 जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। 2 पाई टी आपके पास इक्वल टू दे रखा है 3.5 के, यानी 1/T इज इक्वल टू 3.5/2π आएगा। यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई है पर सेकेंड में एंड
टू पाई लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए 0.5 है तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 2π/0.5। कैलकुलेशन देखिए मैंने कहीं भी नहीं की है, आपको v फाइंड आउट करना है तो आप f लैम्डा लिखोगे यानी 3.5/2π और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 × π से। तो देखिए इससे कैंसिल यानी फाइनली हैव गॉट 7 और ये डिस्टेंस मीटर में है तो ये 7 m/s आएगा। तो देखिए कैलकुलेशन तब करिए जब फाइनल आंसर पर पहुंचना हो, बीच में कैलकुलेशन मत करिए अदरवाइज आप पजल्ड हो जाओगे और कैलकुलेशन लेंथी भी हो सकती है। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है प्रोग्रेसिव वेव इन अ स्ट्रिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, एक इक्वेशन इंडिकेट है, आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, ये हो गया 0.5 sin 120π t - 4π x/5, तो कंपेयर करने वाली इक्वेशन लिखोगे a साइन दिस इज योर 2π t / 2π x/λ। एक फॉर्मेट आपको और बता रही हूँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2π nt - 2π x/λ। तो देखिए अगर आप ऐसे करते हो तो 2π n = डायरेक्ट आपके पास आएगा 120π, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी 60 Hz। एंड आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी तो ये वैल्यू ये रही, और आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो 2π/λ = 4π/5 लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिए यानी λ = 5/2। कैलकुलेशन फिर से मैं आपको बोलूंगी मत करिए, v = n λ लगाइए यहाँ 60, दिस इज योर 5/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 30 यानी हैव गॉट 150 m/s। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस और ये कैसे निकालते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिस्टेंस आर गिवन इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, तो ये क्वेश्चन में इंडिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट को प्लेस करते हैं। इसी में देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे टर्म फाइंड आउट करने हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड एंड फेज डिफरेंस, तो क्वेश्चन खुद में बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो इक्वेशन हम कंपेयर करने वाली है वो आप ऑप्शन के डायरेक्ट ही ऐसे आगे लिख लीजिए, हो गया 2π sin (2π nt) लिख सकते हैं, दिस इज 2π x/λ। तो सिंपल सा देखिए a के प्लेस में आ रहा है 5 × 10⁻⁶, डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में तो वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी, 2π n = 800π है, पाई से पाई कैंसिल करेंगे यानी n = आएगा आपके पास 400 Hz, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। 2π λ = आप लिखेंगे π/42.5, पाई से पाई कैंसिल करिए, लैम्डा की वैल्यू के लिए 42.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन में 2 रखेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे होगा 5, और 5 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 85, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 85 cm। तो देखिए आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मिल चुकी है, वेलोसिटी के लिए आप सिंपल v = n λ लगाओगे यानी 400 × 85। तो देखिए कैलकुलेशन तो आप बहुत इजीली कर ही लोगे, यहाँ पे 0, 32 और 2 करेंगे तो 34 cm/s आएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 cm। तो देखिए पार्ट डिफरेंस आपको दिया है 17 cm, लैम्डा आपने फाइंड आउट किया 85 cm, तो डेल्टा फाई के लिए फॉर्मूला होता है 2π λ × Δx, सिंपल 2π एज इट इज रखिए, लैम्डा की जगह 85 और यहाँ 17 लगाएंगे, 17 5 जा तो यू हैव गॉट 2π/5 और इस आंसर को आप रेडियन में लिख दोगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे अगर डिग्रीज में है तो उसे हम डिग्रीज में फाइंड आउट करेंगे। एक और छोटा क्वेश्चन देखिए, आपको इक्वेशन दे रखी है, मैं लगातार इक्वेशन सॉल्व इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नीट का पेपर है उसमें इक्वेशन आती है और सिंपल आपको लगता है बहुत टफ है लेकिन ये बहुत सारे ऑप्शंस को कवर करते हैं। तो देखिए वाई में आप इक्वेशन कॉस में दी हुई है और 2π बाहर है, तो सिंपल जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम ए लिखेंगे यहाँ कॉस, 2π बाहर रखेंगे, दिस इज t/t - x/λ + 5। इक्वेशन में देखिए यहाँ 0.35 एक्स्ट्रा है तो 5 लिखेंगे, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, तो ए की वैल्यू 2 है और यहाँ देखिए डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो यू शुड प्लेस सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड हो गया। 1/t = 10 लिखेंगे यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स आ जाए, पर सेकेंड आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना था फेज डिफरेंस, इस केस में व्हाट इज द फेज डिफरेंस यानी लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो देखिए 2π/λ = आएगा 0.008। इस कैलकुलेशन को जब आप यहाँ कंडक्ट करोगे
तो सिंपल सा एक चीज देखो, आपके पास 2π बाहर है, यानी ये वैल्यू आपकी 1/λ को शो करेगी। तो लैम्डा जब हम निकालेंगे तो 1/0.008 आएगा, डेसिमल हटाएंगे यहाँ 1000 आएगा, 1000/8 होगा, तो 4 से कैंसिल करेंगे यहाँ 2, और यहाँ आपके पास 250, यानी कि हैव गॉट 125, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो देखिए फर्स्ट केस में आपको डेल्टा एक्स दे रखा है 4 मीटर, 4 मीटर को आप लिखोगे 400 सेंटीमीटर, और डेल्टा फाई जब फाइंड आउट करोगे तो 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी 2π ऐसी रखेंगे, लैम्डा की जगह 125 और इसे 400 लिखेंगे। कैलकुलेशन का थोड़ा सा आसान वे बता रही हूँ, 400 को 4 × 100 लिखो तो 25 के टेबल से कट जाएगा यहाँ 5 और इधर 4 आएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 32/5 रेडियन। ऐसे ही अगर आप डेल्टा एक्स की जगह 0.5 मीटर लगाते हो तो ये सिंपल आपका 50 सेंटीमीटर होगा, और कैलकुलेशन को आप कंडक्ट कर लोगे 5 आना जाएगा। सेम वे में एक और देख लीजिए, जब डेल्टा एक्स की जगह मुझे दे रखा है लैम्डा बाई 2, तो इस वाले केस में जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आपको लैम्डा बाई 2 है तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2, यानी इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा। सेम वे में आपको एक चार्ट याद करने के लिए बोल रही हूँ, उस चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा फाइ इज इक्वल टू आपके पास है 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो सिंपल एक्स की वैल्यू अगर 3λ/4 है तो डेल्टा फाइ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखियो 2π/λ 3λ/4, सिंपल 2 से 2 कैंसिल करेंगे लैम्डा से लैम्डा, यानी यू हैव गॉट 3π/2, दैट इज 270 डिग्री। तो आप इन वैल्यूज को याद कर सकते हो, जैसे कि लैम्डा बाई 2 पे अभी आपने देखा डेल्टा 5 पाई था, यानी 180 डिग्री। तो लैम्डा के फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को पूरा व्यू कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।